नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। गुजरात में भी बरसात ने आफत खड़ी कर दी है। गुजरात के किसी एक आध इलाके में ही नहीं बल्कि राज्य के कई हिस्सों में बारिश की वजह से सैलाब उतर आया है। वहां के द्वारका, पोरबंदर, गिर, सोमनाथ और अमरेली से डराने वाली ये तस्वीरें सामने आई है। तो हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं मंदिर में पानी भर गया, सड़क पर सैलाब नजर आया, वाटरफॉल उफान पर है, स्विमिंग पूल शॉपिंग सेंटर बन गया है, नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, लावालब पानी से सड़कें भरी हुई हैं, तेज बहाव में कारें फंसी हैं, मूसलाधार बारिश मुसीबत बनी हुई है और मंदिर जलमग्न हो गई हैं, सैलाब में सड़कें बहती हुई नजर आ रही हैं। सैलाब के कहर की सनसनीखेज तस्वीरें, मूसलाधार बारिश की चुनौती भरी तस्वीरें, देश के कई इलाकों में मौसम का हाई अलर्ट। कुदरत जब तबाही मचाने को आमादा हो तो कुछ नहीं देखती, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। इस वक्त कमोबेश देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी सन्न कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये द्वारका का हरिपर पानीली मार्ग है। बाढ़ का पानी प्रचंड वेग के साथ बह रहा है। एक कार सवार ने सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन जिसका अंदाजा था वही हुआ। लहरों की ताकत ने मशीन की ताकत को जाम कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस गाड़ी में सवार लोगों की जान पर बन गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस गाड़ी को ट्रैक्टर से बांध दिया और कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को खींच लिया गया। यह वीडियो शिंगोड़ा नदी का है, जहां सैलाब ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। जमजिर धोध नाम के वाटरफॉल पर उमड़ा यह सैलाब निचले इलाकों में तबाही के संकेत दे रहा है। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। गिर के जंगलों से होकर गुजरती नदी दहशत पैदा कर रही है। बानेज धाम के पास सैलाब की रफ्तार ऐसी है कि मानो ये लहरें सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हैं। केदारेश्वर चेक डैम की तस्वीरें भी देख लीजिए, डैम ओवरफ्लो हो चुका है। जुड़वली और इटवाया गांव को जोड़ने वाली सड़क मछौंदरी नदी में समा गई है, जिस वजह से सड़क पर आवाजाही ठप हो चुकी है। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि पूरे गिर सोमनाथ में सैलाब किस कदर तबाही मचा रहा है। प्राची तीर्थ पर मौजूद माधव राय मंदिर बाढ़ में समा गया है। ऊपर इलाकों में हो रही बारिश की वजह से सरस्वती नदी में जबरदस्त तूफान है। बाढ़ का पानी अपनी सीमा से कई मीटर की ऊंचाई पर बह रहा है, जिस वजह से यहां लोग डरे सहमे हैं। दावा किया जा रहा है कि एक ही दिन में हुई 6 इंच बारिश ने सब कुछ डुबो कर रख दिया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। पंपिंग सेट से पानी को निकालने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि सारी व्यवस्थाएं सड़क पर उमड़े इस सैलाब के साथ बह गई हैं। अमरेली में भी भारी बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। जिले की नदियां अपनी हदों को पार कर चुकी हैं। पातला गांव से आइए तस्वीरें देखिए, जहां सैलाब की टक्कर ने सड़क के दोनों किनारों को लील लिया है और अब अमरेली के तितानिया गांव की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी देख लीजिए। यहां का खोड़ियार मंदिर बाढ़ में डूब चुका है। सैलाब की लहरें यहां लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं।
राजकोट में भी 5 से 7 इंच हुई बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ गया है, जिस वजह से गांवों का संपर्क सड़कों से कट गया है और लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की हैं। यहाँ टिकटौली दूमदार झरने पर 3 दोस्त पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ने की वजह से तीनों तेज धारा के बीच फंस गए। आनन फानन में स्थानीय प्रशासन तक सूचना पहुंचाई गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई, जैन मंदिर पड़ता हुआ टिकटौली झरना है कि यहाँ पे 3 लोग झरने में फंस गए हैं। पानी तेज बारिश हुई तो एकदम पानी आ गया, तो मैंने तत्काल अपने बल को इकट्ठा करके रस्सी डलवा के करीब करीब आधा घंटा रेस्क्यू की। आधा पौन घंटे रेस्क्यू करने के बाद उनको तीनों को सुरक्षित निकाला। उधर मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से तमाम जिलों को लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां अचानक पानी बढ़ने का खतरा हो, क्योंकि मौसम के इस हाई अलर्ट में पता नहीं कब कहां से नई मुसीबत का सामना हो जाए। जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमले पर खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों का दावा है कि घाटी और जम्मू में दहशत फैलाने के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू में हालिया आतंकी हमलों में आतंकियों ने M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया है और M4 कार्बाइन जो है अमेरिका मेड है और NATO नाटो के सैनिक इसका काफी इस्तेमाल करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों के पास अमेरिकी हथियार मौजूद हैं। ये वही हथियार हैं जिन्हें अमेरिकी सैनिक 2021 में अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। अब ये अमेरिकी हथियार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के हाथ लग चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान से इन हथियारों की डील की और उन्हें पाकिस्तान में मौजूद हर आतंकी संगठन तक पहुँचा दिया। अब इन्हीं अमेरिकी हथियारों की मदद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशत और आतंक का पुराना दौर वापस लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी हथियार पाकिस्तान के जरिए 2022 से ही कश्मीर तक पहुंचने लगे थे, जिसमें सबसे ज्यादा M4 कार्बाइन राइफल है जो इन दिनों जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे आतंकियों के पास से बरामद हो रही है। पाकिस्तान आतंकी जम्मू कश्मीर में सेना पर हमला करने के लिए M4 कार्बाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी हथियार से वो सेना के काफिले पर पहली फायरिंग करते हैं। भारतीय सेना को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों की पहली पसंद अमेरिकन M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल बन चुकी है, जो 1 मिनट में 700 से 970 राउंड गोलियों को दागने में सक्षम है। इसकी प्रभावी फायरिंग रेंज 500 से 600 मीटर है। इसलिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने अपने आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा M4 राइफलों को जम्मू कश्मीर भेजने का फरमान सुनाया है। भारतीय एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने पाकिस्तान में ISI की सरपरस्ती में आतंकी संगठनों की 2 बड़ी बैठकें लाहौर और बहावलपुर में हुई। इस मीटिंग में लश्कर ए तैयबा ने M4 राइफल्स को जम्मू कश्मीर भेजने की साजिश तैयार की। सूत्रों के मुताबिक अब तक 2 दर्जन से ज्यादा M4 राइफल जम्मू कश्मीर में पहुंचाई जा चुकी हैं। स्टील की गोलियां दागने की ताकत रखने वाली M4 राइफल से आतंकियों ने 2017 में जम्मू कश्मीर में पहला हमला किया था। अमेरिकी सेना ने 2021 में अफगानिस्तान से लौटते वक्त करीब 3.5 लाख हथियार वहीं छोड़ दिए थे, जिसमें 3,16,000 से ज्यादा छोटे हथियार थे और 16,000 हैवी वेपन शामिल थे। इनमें M4 स्नाइपर और M4 कार्बाइन राइफल्स, M16A4 राइफल्स, M249 मशीन गन, AMG राइफल्स, M4A1 कार्बाइन, M16A2A4 असॉल्ट राइफल शामिल थे। तभी आशंका जताई गई थी कि आतंकी संगठन इन हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने 1.5 लाख से ज्यादा कारतूस और 42,000 नाइट विजन कैमरा भी छोड़ दिए थे। तालिबान ने इन हथियारों को बेचकर खूब कमाई की। M4 राइफल को $2400 में बेचा गया और AK-47 की कीमत $130 रखी गई, जबकि नाइट विजन कैमरा $500 से $1000 में बेचा गया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान से इन हथियारों को खरीद कर आतंकी संगठनों को दिया, ताकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद आई शांति में फिर से खलल पैदा की जा सके। कश्मीर
से एक ऐसी बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बीते 6 महीने से कठुआ और डोडा में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों का एक नया दस्ता तैयार किया जा रहा है। क्या है पाकिस्तान के इस नए दस्ते की कहानी, आपको सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर से आई ये खबर किसी को भी सन कर देने के लिए काफी है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जम्मू संभाग में दहशत फैलाने के मकसद से पाकिस्तान ने एक नई टेरर ब्रिगेड तैयार की है और इस टेरर ब्रिगेड का नाम है आतंक का पठानी दस्ता। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 6 महीने पहले 40 पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ के जरिए कठुआ और ढोडा तक पहुंचे थे। ये सभी आतंकी पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के पठान हैं। यानी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के मोर्चे पर पठानों को खड़ा कर दिया है। ये आतंकी बकायदा बॉडी कैम काम इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए ये हर आतंकी हमले का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे पाकिस्तान भेजते हैं। पाकिस्तान के इस पठानी दस्ते के पास नाइट विजन कैमरे भी मौजूद हैं। आतंकियों का ये पठानी दस्ता स्नाइपर्स अटैक में माहिर है। इन आतंकियों के पास तालिबानी आतंकियों से लड़ने का भी अनुभव है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि खान सूट पहनकर आम इंसानों की तरह कई बार आम मस्जिदों में नमाज भी अदा कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक दहशतगर्दी की ये नई ब्रिगेड PAFM और कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद का हिस्सा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इन पठान आतंकियों को पहाड़, जंगल और नदियों तक में लंबे समय तक रहने का अनुभव है। ये आतंकी सैन्य प्रशिक्षण, टोही क्षमता, गुरिल्ला युद्ध रणनीति में भी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक राजौरी, पुंछ, कठुआ, डोडा, रियासी 40 से 50 आतंकी एक्टिव हैं। ये आतंकी 10 से 12 के ग्रुप में बटे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि आतंकियों की ये नई ब्रिगेड हमलों के वीडियो बनाती है और उन वीडियो को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पोस्ट करती है। ये आतंकी कभी कभी रॉबर्ट क्राफ्ट जैसे मशहूर लेखकों और कवियों को भी कोट करते हैं। खास बात यह भी है कि पाकिस्तान के पठान आतंकी सुरक्षा बल की नजरों से बचने के लिए फोन का इस्तेमाल नहीं करते। अगर इन्हें कहीं कोई संदेश भेजना होता है तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। ये आतंकी ना तो गांव जाते हैं और न ही स्थानीय लोगों के साथ रहते हैं, ये जंगलों और गुफाओं में रहते हैं, जबकि अपने खाने पीने का सामान बकरवालों से खरीदते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी अपने मददगारों से जंगल में ही खाना रख जाने के लिए भी कहते हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि आम बातचीत में सिर्फ पंजाबी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यानी पठानी आतंकियों की नई ब्रिगेड दहशतगर्दी फैलाने के लिए एक सदे हुए सिस्टम की तरह काम करती है। एक ऐसा सिस्टम जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि गुनाह और गुनहगार ज्यादा दिन तक छिपे नहीं रह सकते, और फिर इनका मुकाबला तो उन भारतीय जियाबाजों से है जो पल पल सरहद की निगहबानी कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको देंगे, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बीच पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसक प्रदर्शन में अब तक करीब 105 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2500 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे। बिगड़ते हालात को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। सरकार ने राजधानी ढाका में किसी तरह के जमावड़े पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये कितना हिंसक होता जा रहा है और पूरे देश में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक तरफ गाजा में इजरायली सेना सीरियल हवाई हमले करने में जुटी है, तो वहीं लेबनान पर अब टैंकों से भीषण हमले शुरू हो गई हैं। पीएम नेतन्याहू ने साफ आदेश दे दिया है कि जिस तरह से हमास का सफाया हो रहा है, ठीक उसी तरह से हिजबुल्ला का सफाया कर दो। लेकिन यहां पर दिक्कत यह हो रही है कि हिजबुल्ला ने इजरायली टैंकों को एंटी टैंक मिसाइल से तबाह करना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट।
टैंकों का बना देंगे कब्रिस्तान, हिजबुल का इसराइल को चैलेंज। पिछले 24 घंटे से सैकड़ों इजरायली टैंक तेजी से लेबनान बॉर्डर को घेरने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसराइल लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा जमीनी हमला करने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में टैंक शामिल किए गए हैं। खबर तो ये भी है कि हिजबुल्ला ने इजरायली टैंकों को तबाह और बर्बाद करने के लिए जमीन पर बड़ी तैयारी कर ली है। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक हिजबुल्ला चीफ ने इसराइल को खुला चैलेंज दिया है कि अगर लेबनान पर टैंकों से हमला हुआ तो एक भी इसराइली टैंक नहीं बचेगा। मिडल ईस्ट की मीडिया में यहां तक दावा किया गया है कि हिजबुल्ला ने इसराइल के मरकावा टैंक उड़ा दिया है। قلنا في السابق ونعيد اليوم إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف टैंकों के उड़ाए चीथड़े, लेबनान में इजराइल की हार। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक दक्षिणी लेबनानी सीमा के पास एक इजरायली टैंक और कई सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसके लड़ाकों के अलग अलग दस्तों ने हदाब यारिम साइट पर एक इजरायली मरकावा टैंक को एंटी टैंक मिसाइल से उड़ा दिया है। इसके अलावा हिजबुल्ला लड़ाकों ने कफर चौबा पहाड़ियों में रवि सेट अल आलम साइट पर भी हमला किया, जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने बोरकन मिसाइलों से बिरकिट रिशा साइट को निशाना बनाया, जिसमें इजरायली इलाके में आग लग गई। हिजबुल्ला के कमांडर ने दावा किया है कि दक्षिण पूर्व में इजरायल के फिलौन बेस पर हिजबुल्ला ने ड्रोन से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि उत्तरी इजरायल के इस बेस में IDF की 210वीं डिवीजन का मुख्यालय और भंडारण सुविधाएं थी, जो तबाह हो चुकी हैं। हिजबुल्ला ने कहा कि उसके ड्रोन हमलों में कई इजरायली अधिकारी और सैनिक मारे गए हैं, लेकिन सही संख्या हिजबुल्ला नहीं बता पाया है। اشعلت اسرائيل الحرب في لبنان فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب ولا احد يعلم تداعيات إشعال الحرب لبنانيا وإقليميا بل حتى دوليا गाजा युद्ध के साथ साथ इसराइल ने लेबनान युद्ध में भी अपनी बढ़त बनाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 9 महीने में इसराइल हिजबुल्ला और लेबनान के अंदर 6000 से ज्यादा हमले कर चुका है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। हालांकि उत्तरी इसराइल की तरफ से इजरायली सेना पर हिजबुल्ला भयानक हमले कर रहा है, लेकिन इसराइल का आयरन डोम अभी रॉकेट हमलों को नाकाम कर रहा है। लेकिन इधर हिजबुल्ला ने अपने रॉकेट हमलों को लेकर ऐसा दावा किया है जो वाकई में इसराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक 16 और 17 जुलाई को हिजबुल्ला की रॉकेट ब्रिगेड ने उत्तरी इसराइल पर भयानक रॉकेट हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्ला ने 4 चरणों में लंबी दूरी के 100 से ज्यादा रॉकेट इसराइल पर दागे हैं, जिसकी वजह से इसराइल के किरियत शमोना इलाके में भारी तबाही हुई है। हिजबुल्ला ने हमले की 4 लहरों के जरिए रॉकेट दागे थे। शुरू में 40 रॉकेट दागे और फिर 60 रॉकेट और दाग दिए, जिसकी वजह से इसराइल का आयरन डोम नाकाम हो गया है और हिजबुल्ला के रॉकेटों ने भारी तबाही मचाई। दावा किया गया है कि इस हमले में एक इजरायली सैनिक की भी मौत हो गई है। हिजबुल्ला के जबरदस्त पलटवार के बावजूद लगता है इसराइल ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो हमास के साथ साथ अब हिजबुल्ला का पूरी तरह से सफाया कर देगा। 9 महीने की जंग में PM नेतन्याहू को अपने कमांडरों से जो जंग की रिपोर्ट मिली है,
उसके मुताबिक इसराइल को कम से कम इस वक्त दो मोर्चों पर एक साथ जंग अगले कुछ महीने तक करनी पड़ सकती है। इसलिए इस वक्त इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन का सफाया करने में जुटी है, तो वहीं दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाके और टॉप कमांडरों को मारने में लगी हुई है। इजरायली सेना ने 3 जुलाई को भी हिजबुल्ला के एक ऐसे टॉप कमांडर को मार डाला है, जिसके बाद से हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इसराइल में इजरायली सेना पर अंधाधुंध कत्यूशा रॉकेट से हमले करने में जुटा है। आप पहले ये जान लीजिए, इसराइल ने 3 जुलाई को दक्षिणी लेबनान में कहां हमला किया और इस हमले में हिजबुल्ला का कौन सा कमांडर मारा गया है। पश्चिमी और मिडल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के होश इलाके के टायर इलाके में हमला किया है। दावों के मुताबिक सटीक और खुफिया सूचना के आधार पर इजरायली सेना ने अपने ड्रोन में लगी मिसाइलों से सटीक हमला किया है, जिसमें हिजबुल्ला का टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मौके पर ही मारा गया। दावों के मुताबिक हिजबुल्ला के अड्डे पर टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इसराइल के ड्रोन ने उन पर सीधा मिसाइल हमला किया, जिसमें वो मारा गया। अभी ये नहीं पता चला है कि टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर के साथ और कौन कौन लोग मारे गए हैं। हिजबुल्ला एक ऐसा संगठन है जिसके पीछे सबसे बड़ी ताकत ईरान को माना जाता है। ईरान ही इस संगठन को हथियार देता है। गाजा युद्ध में भी हिजबुल्ला ने हमास के समर्थन में कई बार इसराइल की तरफ वार किए हैं। हिजबुल्ला की ताकत हमास से ज्यादा है। ऐसे में अगर लंबे वक्त से युद्ध लड़ रहे इसराइल के लिए एक नए मोर्चे पर लड़ाई लड़ना थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है। हिजबुल्ला पहले ही इसराइल के सबसे मजबूत सिस्टम को तबाह करके दिखा चुका है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हिजबुल्ला के टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर की मौत के बाद हिजबुल्ला ने इसराइल से कैसे और कहां बदला लिया। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक उसने इसराइल से बदला लेना शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने अपनी कमांडर की मौत के बाद सीधे हमला करने के आदेश दिए हैं। लगभग 10 दिन में हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर 300 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्ला के कत्यूशा रॉकेट लंबी दूरी तक इसराइल के अंदर मार कर रहे हैं। उत्तरी इसराइल में जहां भी इजरायली सेना के अड्डे थे, वहां सभी जगहों पर हिजबुल्ला ने कत्यूशा रॉकेट से हमले किए हैं। इन हालात को देखकर हिजबुल्ला अब समझ चुका है कि अगर इसराइल पर भयंकर पलटवार नहीं किया तो इसराइल सेना पूरे लेबनान को रौंद डालेगी। गाजा युद्ध के बाद अब लेबनान युद्ध भीषण तरीके से शुरू हो चुका है। पिछले 9 महीने में इसराइल हिजबुल्ला के अड्डों और लेबनान के बेहद अंदर इसराइली सेना ने जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इसराइल के फाइटर जेट से सैकड़ों बम गिराए गए हैं। इजरायली ड्रोन और मिसाइलों से हिजबुल्ला के कई कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। आंकड़ों के साथ हिजबुल्ला पर इजरायली हमले में सबसे ताजा खबरें क्या हैं? जरा ये भी जान लीजिए। लेबनान की लड़ाई में 100 से ज्यादा नागरिक और 300 से अधिक हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए हैं। रॉयटर्स टेली के अनुसार लेबनानी सीमावर्ती शहरों में भयानक विनाश शुरू हो चुका है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्ला की राड 1 फोर्स का कमांडर अली जाफर मटूक भी मारा गया है। इजरायल के इस हमले में कितने हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए हैं, इसका पता नहीं चल पाया है। कीमत हिजबुल्ला कुल योग मकत कशोत मेउद व אנחנו גם נגיע למצב של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנדרש בלבנון או להגיע להסדרה מעמדה של כוח. אנחנו מעדיפים הסדרה, אבל אם המציאות תחפה עלינו. और चलिए फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे आप देखिए मारो राजस्थान में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।